अकेडमी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा ये वीडियो क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट पर रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के मैटर। ठीक है, अब पहला मन में सवाल आता है कि मैटर होता है क्या है। तो देखिए, मैटर के लिए जो डेफिनेशन दी गई है वो है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस दैट हैव वॉल्यूम एंड मास। मतलब कि हर वो चीज़ जो जो स्पेस घेरती है, जिसका वॉल्यूम या मास हो, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मैटर। ठीक है, हर वो एनीथिंग जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस और जिसका वॉल्यूम और मास होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? मैटर। ठीक है, और एशियन इंडिया में इसको इस तरह से बोला गया था कि हर एक चीज़ जो है वो पांच तत्वों से, जिसको हम बोलते हैं पंच तत्व। क्या बोलते हैं? पंच तत्व से मिलकर बनी हुई है, जिसमें क्या है आपके एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर, यानी कि हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, जिससे मिलकर कि हमारा पूरा पूरा जो है ब्रह्मांड बना है, कहा जाता है। ठीक है, और इस मैटर को है ना अलग अलग जगह लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जैसे एशियन ग्रीक ने इनको भी इसी तरह से कुछ क्लासीफाई किया मैटर्स को, जैसे इंडिया में किया गया था एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर के बेसिस पर। और मॉडर्न साइंस के अंदर साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको दो टाइप से क्लासीफाई किया है। ठीक है, किसके बेसिस पर? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के बेसिस पर। ठीक है, अब अपन फर्स्ट देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर के फिजिकल नेचर क्या है मैटर का? तो सबसे पहले लिखा हुआ है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। इसमें एक चीज़ लिखी गई कि बहुत टाइम पहले दो तरह की स्कूल्स, यानी दो तरह के अलग अलग थॉट्स थे। स्कूल ऑफ थॉट्स मतलब दो अलग अलग विचारधाराएँ चलती थी, जिसमें एक मत कहा जाता था कि जो मैटर है वो एक ब्लॉक ऑफ वुड, यानी एक लकड़ी के टुकड़े के समान है, जिसको वो आप और नहीं तोड़ सकते। मतलब किसको नहीं तोड़ सकते? आप मैटर को। लेकिन जो दूसरे थॉट्स थे, दूसरे जो विचार वाले थे, वो क्या बोलते थे? बोले आप मैटर जो है मैटर को भी तोड़ा जा सकता है। किसमें? पार्टिकल्स में। मतलब एक थॉट्स ये थे कि मैटर लास्ट है, मैटर को और नहीं तोड़ा जा सकता। दूसरे ने क्या बोला कि मैटर को भी तो तोड़ा जा सकता है पार्टिकल्स में। ठीक है, इसके लिए आपकी बुक के अंदर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, जिसमें आपको एक बीकर लेना है। उस बीकर के अंदर आपको 100 ml पानी से, 100 ml का बीकर लेके उसको हाफ वाटर से भर देना है। उसमें अगर आप सॉल्ट और शुगर को डिजोल्व करते हो ग्लास रोड से, होने वाले ऑब्जर्वेशन को आपको उसमें देखना है। ठीक है, कि उसमें क्या होता है। तो इसमें आप आंसर देखेंगे जो कि जो सॉल्ट है वो तो ईजिली वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन जो शुगर है वो तो इजली वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्ट है वो डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर शुगर डिजोल्व हो गया तो शुगर कहाँ गया? अगर वो ब्लॉक था, मैटर था, तो कहाँ गया? अगर शुगर अपने आप में एक ब्लॉक था या एक मैटर था जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो कहाँ गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मैटर्स है वो किससे मिलके बने हुए हैं? पार्टिकल्स। ठीक है, दूसरा है हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, की जो मैटर्स है उनके जो पार्टिकल्स है वो कितने छोटे हैं। इसके लिए तो याद रखना कि द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो बहुत छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि जो हमारी इमेजिनेशन है उससे भी अत्यंत छोटे। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि अगर आप 100 ml बीकर लेके उसको पानी से भर दें, और इसमें क्या करते हैं आप 10 ml के मिला दें, आप इसमें ये सॉल्यूशन मिला दें, क्रिस्टल्स मिला दें, ये जो क्रिस्टल हैं ये किसके लिए गए हैं? पोटेशियम परमैंगनेट के, जिसके वजह से इसका जो कलर है वो कैसा हो गया? एक चम्मच आप इसमें मिला दिया तो इसका जो कलर है कैसा बन गया? पिंक, डार्क पिंक। इस 100 ml में से अगर आप 10 ml निकाल दें और 10 ml को से वापस एक खाली बीकर लेके 100 ml का बना दें, उससे फिर 10 ml लें, फिर उससे वापस 100 ml बना दें मिला मिला के, तो एंड में आते आते अगर आप कर जाएंगे तो हाँ, अब जो बीकर है उसका जो कलर है वो कैसा? हल्का पिंक रहेगा, लेकिन पिंक अभी भी रहेगा। देखिए, अगर फर्स्ट और लास्ट में अगर आप देखें तो ये डार्क पिंक है और ये हल्का पिंक है। पिंक तो अभी भी है, इसके मतलब इसके अंदर भी क्या है? अभी
पार्टिकल से, अगर इसको भी अगर आप और हल्का कर दें, मतलब इसके अंदर वो पानी मिलाएं, तब भी थोड़ा हद तक क्या रहेगा, ये पिंक रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब कि जो पार्टिकल्स है उनकी जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, छोटी होती है, दे आर टू स्मॉल, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे होता है। ठीक है, दो जो थे अपने देखे पॉइंट्स जो कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स थे, यानी कि पहला तो था पार्टिकल जो है वो, जो मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, और जो पार्टिकल्स है वो क्या है, उनकी जो साइज है वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, सॉरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि पार्टिकल्स जो होते हैं इनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो देखो फर्स्ट जो लिखा हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, इसके लिए आप सोच सकते हैं, सपोज करें ये आपने एक बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर आपने कंचे यानी कि बॉल्स जो होते हैं ना, कांच की छोटी छोटी बॉल्स जो होती है उनको, स्टील की या लोहे की, आप जो छोटी छोटी जो बॉल्स है उसको रखें, तो उससे उसको फुल भर देंगे, तब भी बीच में जो बॉल्स है उनके बीच में क्या रहेगी, उनके बीच में स्पेस रहेगा। इसका मतलब अगर उन बॉल्स को अगर आप पार्टिकल्स मान लेते हो, तो हर तो उनके बीच में क्या रहेगा, उनके बीच में जैसे ये बॉल्स है तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में यहाँ पर क्या है, स्पेस है ना। ठीक है, तो ये इसमें बोला गया है कि पार्टिकल्स मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी जो पार्टिकल्स मैटर यानी जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूटी क्या करते रहते हैं, कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। ठीक है, और इनका जो मूव है यानी इनका जो मोशन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे पार्टिकल जो है वो ज़्यादा तेज मूव करते हैं। ठीक है, और इस वजह से हम जो इनका जो मूव है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। इसका मतलब एज द टेम्परेचर राइजेस, मतलब जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज, कि जैसे जैसे अगर आप बोलो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स को भी क्या बढ़ेगी। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, वो ये है कि अगर आप गर्म सब्जी या गर्म कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी स्मेल आपको दूर से आ जाती है, मतलब रूम में एंट्री करते आ जाती है, लेकिन अगर आप वही चीज़ अगर सब्जी या कुछ है जो ठंडा हो गया है तो आपको अपनी नाक को बहुत पास लेके जाना पड़ता है सूंघने के लिए, उसके अंदर से स्मेल लेने के लिए। क्यों? क्योंकि जब वो सब्जी या कुछ भी फूड आइटम है जो गर्म होता है, तो गर्म की वजह से उस फूड पार्टिकल्स के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड क्या रहती है, तेज़ रहती है, वो इजिली आपकी उनकी स्मेल आप तक आ जाती है, लेकिन जब ठंडे होने पर उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, इस वजह से उनकी स्मेल आपके तक नहीं आ पाती। और जो थर्ड है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब है ये तो अगर दो पार्टिकल्स रहेंगे मैटर के तो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, एक दूसरे को खींचेंगे। ये तीन प्रॉपर्टीज थी, वापस बता रहा हूँ मैं, जो करेक्टरिस्टिक्स थे ना पार्टिकल्स के वो तीन थे। पहला क्या था कि पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, दूसरा था कि पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं, तीसरा था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके देखो कुछ क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं अपन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इसमें से मैटर कौन कौन सा है। तो देखिए चेयर मेटल है, एयर, हाँ, लव, चूंकि लव कोई स्पेस या ऐसा कोई मास या इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता इसलिए लव नहीं है, स्मेल नहीं है, हेट भी नहीं है, आलमंड है, थॉट नहीं है, ठंड एंड कोल्ड नहीं है, कोल्ड ड्रिंक है चूंकि ये इट हैव स्पेस वॉल्यूम एंड ओके बस हमें स्पेस, स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम की स्मेल। ठीक है, अगर स्मेल इसको अगर आप गैस कंसिडर करते हो तो ये हो सकता है। गिव रीजन ऑफ फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ द हॉट सीजलिंग फूड रीचेज योर सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कूल्ड कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोजर। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, इस क्वेश्चन बताया था कि जब आपके सामने गर्म सब्जी होती है, गर्म फूड होता है, तो वो उसकी स्मेल जो है वो कुछ मीटर दूर से भी आने लग जाती है, लेकिन अगर वही ठंडा फूड हो तो आपको बहुत पास जाना पड़ता है। ठीक है, इसका रीज़न यही है कि गर्म फूड के अंदर जो पार्टिकल्स उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, हाई रहती है। ठीक है, और जो फूड ठंडा होता है, ठंडा
ठंडा होने की वजह से उनके फूड के अंदर जो पार्टिकल्स उनकी एनर्जी क्या रहती है, लो रहती है। ठीक है, अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? कि इसमें लिखा हुआ है कि एक जो तैराक है वो क्या करता है, वाटर को, पानी के अंदर जो वाटर है उस सॉरी सॉरी वाटर के अंदर जब वो स्विम कर रहा है तो क्या करता है, पानी को काटता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी काम में आ रही है? प्रॉपर्टी के लिए काम में आ रही है जो पार्टिकल्स मैटर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, जैसे वो काटता है वापस आ जाता है तो दूसरी साइड से वापस जो पानी है वो वापस में एक दूसरे से क्लोज आ जाता है। ठीक है, जो फोर्थ है वो तो आपने देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब नेक्स्ट जो है वो अपना स्टेट ऑफ मैटर है कि जो मैटर्स है वो कौन कौन से स्टेट्स में रहते हैं। यहाँ पे स्टेट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। यहाँ स्टेट का मतलब है उनकी फिजिकल स्टेट कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो याद रखना, वैसे मेजरली इनके तीन स्टेट में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इससे ज़्यादा जो है दो स्टेट्स और होती है, एक होती है बोसाइनस्टीन और एक होती है प्लाज्मा, जिसको अपन इस चैप्टर के एंड में देखेंगे। तो ठीक है, अपन ने फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे मैटर्स को तीन बांटा, एक तो है अपना सॉलिड, फिर है अपना लिक्विड, फिर अपना है गैस। ठीक है, बात की जाए पहला जो है वो अपना सॉलिड स्टेट है। अब सॉलिड स्टेट में जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो कम होता है, उनकी जैसे लिखा हुआ है कि डिफाइन शेप होती है, डिस्टिंक्ट इनकी बाउंड्रीज होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल है, आप इसको किसी भी सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, ये रिगाइड होते हैं। ठीक है, ये होके इनकी प्रॉपर्टीज़ है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं कि एक रबर बैंड है जिसको आप शेप चेंज कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, तो क्या ये सॉलिड है या शुगर जो सॉल्ट है, जब आप इसको अलग अलग जार्स में रखते हो तो ये इसकी शेप चेंज हो जाती है, तो क्या ये सॉलिड है? और स्पंज के लिए पूछा गया क्या ये सॉलिड है, तो इसके आंसर भी इसमें दिए गए हैं। इसमें आंसर में के लिए फर्स्ट में लिखा हुआ है कि रबर बैंड अपने शेप जरूर चेंज करता है, लेकिन वो फोर्स की वजह से, और जैसे उस पर से वो फोर्स हटा दी जाती है वो वापस अपनी जो शेप है या साइज है वो उसमें आ जाता है। ज़्यादा अगर इसमें आप स्पेस को लगाते हो फोर्स तो वो टूट जाता है। और अगर बात की जाए शुगर की और जो क्रिस्टल्स हैं सॉल्ट की, जिसमें से बोला गया कि जिस भी बर्तन में सोडा डालते हैं उसकी वो शेप ले लेता है, तो वो पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर शुगर का क्रिस्टल या सॉल्ट का क्रिस्टल नहीं लेता है, वो पूरा का पूरा उनका जो ग्रुप्स है, पूरा का पूरा जो उनके ग्रुप में है वो लेते हैं। अगर पर्टिकुलर एक शुगर को मैं क्रिस्टल को उठाऊँ तो उसकी उसको कितना भी दबाऊँ उसकी जो शेप है वो फिक्स रहेगी। ठीक है, ज़्यादा दबाने पर वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। और जो स्पंज है, स्पंज के साथ भी सेम ही है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके अंदर हवा बंद रहती है, जब भी आप उसको प्रेस करते हो जो हवा बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से आप उसको दबा सकते हो। ठीक है, और जब बात की जाए लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है, देखो एज कम्पेयर में बात करूँ सॉलिड में, तो लिक्विड के अंदर शेप फिक्स नहीं होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है। शेप फिक्स नहीं होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है, याद रखना। इसमें दोनों फिक्स है, शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स है, इसमें ना शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। इसके अलावा ये जो लिक्विड है वो बह सकता है, फ्लो कर सकता है, अपनी शेप चेंज कर सकता है, जबकि जो लिक्विड सॉलिड है वो बह नहीं सकते। ऐसा नहीं है बोलते हुए बोलो कि एक चेयर है वो बह रही है, एक चेयर बह रही है तो पानी के अंदर फ्लो कर रही है ना, नहीं खुद ही फ्लो कर रही है सड़क के ऊपर। ठीक है, और इस फ्लो करने की वजह से और शेप चेंज करने की वजह से इनको क्या बोला जाता है, इनको फ्लूइड बोला जाता है, तो ये रिगाइड भी नहीं होते, मतलब कि दृढ़ नहीं होते। ठीक है, ये अपना सॉलिड हो गया। अब थर्ड जो है वो है गैस स्टेट। गैस स्टेट की बात की जाए तो फर्स्ट और सेकंड से जस्ट उल्टा है, तो ना तो शेप फिक्स होती है ना इनके वॉल्यूम फिक्स होती है। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड जो है मतलब सॉलिड और लिक्विड जो है उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन इनकी जो गैस है उनकी वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। इसका मतलब है कि आप इनको कंप्रेस करके किस में चेंज कर सकते हैं, सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, जिसमें अपन आगे इसको देखेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल दिए गए हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। LPG एक्चुअल में गैस है, पेट्रोलियम गैस है, लेकिन इसको इतना कंप्रेस कर दिया कि किस में चेंज हो गई, ये लिक्विड में चेंज हो गई, इसलिए इसको क्या बोला गया, लिक्विफाइड। और दूसरी है आपकी CNG मतलब नेचुरल गैस, लेकिन आपने इसको कंप्रेस किया तो कंप्रेस हो गई, तो कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, अब इसके बाद अपन जो टॉपिक है वो है क्या आप
किसी भी मैटर की शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं, सॉरी स्टेट है उसको चेंज कर सकते हो, मतलब कोई सॉलिड है तो क्या उसको लिक्विड या गैस में चेंज कर सकता है, या इनको आपस में इनकी स्टेट को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टेट में चेंज हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम क्या कर सकते हैं टेम्परेचर की वजह से, दूसरा हम कर सकते हैं प्रेशर की वजह से। तो दोनों अपन देखेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं टेम्परेचर के लिए। आप देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से क्या होता है। इसमें देखो फर्स्ट डायग्राम में अपने आइस लिए है, आइस को जब अपन गर्म कर रहे हैं, थर्मामीटर लगा दिया, और गर्म करने से आइस जो है वो किस में चेंज हो रही है, वाटर में। और जब वाटर को और हीटअप कर रहे हैं तो वाटर जो है किस में चेंज हो रहा है, वाटर वेपर में। इसको अपन देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो उस किसी भी सॉलिड का, तो सॉलिड के अंदर क्या है, पार्टिकल्स है। जब पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से उन पार्टिकल्स की क्या बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो क्या कर रहे हैं, वो इजिली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उनकी स्पीड भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसके नीचे एक डेफिनेशन लिखी गई है मेल्टिंग पॉइंट की, कि वो टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड जो है वो किस चल जाता है, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, उस टेम्परेचर को एटमोस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर क्यों लिखा है, क्योंकि अपन ने प्रेशर फिक्स रखा है। जब टेम्परेचर की बात करेंगे, जब अपन प्रेशर उस टाइम तक अपन प्रेशर फिक्स रखेंगे, जब हम प्रेशर की बात करेंगे तब अपन टेम्परेचर फिक्स रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। और जैसे इसमें आइस का मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, कि जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16, यानी 273.16 केल्विन। केल्विन जो दिया है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, और इसको लगभग लगभग 273 लेके चलते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना। हाँ, इसमें एक और लिखा हुआ ये चीज़ देखिए, कि सपोज कीजिए एक बर्तन है, जिसमें मैंने क्या लिखा हुआ, एक बर्तन है जिसमें आइस है, उस आइस को मैं क्या कर रहा हूँ, उसको हीट अप कर रहा हूँ, उसमें थर्मामीटर लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में उसका जो टेम्परेचर था वो माइनस के 20 डिग्री सेल्सियस था, तो हीट अप करने की वजह से वो धीरे 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 उसका जो टेम्परेचर हुआ है वो क्या बढ़ रहा है, 20 माइनस 20 से 10, माइनस 10 हो गया, माइनस 10 से फिर -8, 7, 6, 5, 4 हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब 0 डिग्री होने के बाद जो गर्म नीचे से जो आग लगी हुई है, जो फायर है, वो तो उतना का उतना रहेगा, लेकिन टेम्परेचर जो है, जो थर्मामीटर है उसमें टेम्परेचर वो मुझे शो नहीं कर रहा, मतलब टेम्परेचर अब बढ़ नहीं रहा उस बर्तन का। तो अब भी तो जो हीट है वो कहाँ जा रही है, मतलब जो गर्मी है, जो हीट है वो कहाँ जा रही है। तो यहाँ पे जो हीट है ना, वो यहाँ इस कंडीशन में आके, जब उसने उसका मेल्टिंग पॉइंट टच कर लिया है, उस कंडीशन पे आके जो हीट है, अब वो जो आइस है वो उसको यूज़ करेगी। अब वो आइस क्या करेगी, उस हीट को यूज़ करेगी, और उसको क्या करेगी, उस हीट को यूज़ लेके अपनी स्टेट चेंज करेगी। मतलब 0 डिग्री तक तो उसको उस हीट से मतलब ही नहीं था, वो उसकी वजह से उसके एटमोसफेयर की टेम्परेचर चेंज हो रहा था, लेकिन उसने अपना स्टेट चेंज नहीं की। लेकिन जैसे ही मान लीजिए 0 डिग्री पर आने पर, जब 0 डिग्री क्या होता है, उसका खुद का मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उस डिग्री पर आने पर वो क्या करेगी, अब वो खुद उसको हीट एनर्जी है उसको खुद यूज में लेने लग जाएगी। ठीक है, अब हीट तो लग रही है, फायर लगी हुई है, लेकिन टेम्परेचर थर्मामीटर के अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। अब धीरे 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 जो बर्फ है वो किस में चेंज होने लग जाएगी, पानी में। और जब तक कि वो बर्फ पूरी की पूरी पानी में चेंज नहीं हो जाए, तब तक के लिए थर्मोमीटर क्या है, वो एक 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। इसका मतलब अगर देखो इसको ग्राफ खींचो, तो -20 से 0 तक तो थर्मोमीटर जो है टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाएगा। अब 0 से लेकर जब तक वो पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाए, जब तक पूरा का पूरा लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएगी, तब तक टेम्परेचर फिक्स रह जाएगा। जैसे पूरा का पूरा लिक्विड में चेंज हो गई, अब लिक्विड में चेंज होने के बाद वापस से टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो ना, ये एनर्जी जो आपको शो नहीं कर रही है, जो आपको, जो आपने इसमें इंस्ट्रूमेंट डाला हुआ है, आपने जो थर्मोमीटर डाला हुआ है, थर्मोमीटर आपने ये देखने के लिए डाला हुआ है कि टेम्परेचर क्या है। अब टेम्परेचर तो हीट पर डिपेंड कर रहा है, हीट ले रहा है बर्तन, हीट ले रहा है, लेकिन उस थर्मोमीटर में शो नहीं कर रहा। तो ये वाली हीट जो शो नहीं हो रही लेकिन ले रहा है, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, यानी छुपी हुई। ठीक है, जैसा इसमें लिखा हुआ है।
ठीक है, इट्स गेट हिडन इन द कॉन्टेंट ऑफ द ब्रेक बीकर एंड इट्स नोन एज लेटेंट हीट, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। ठीक है, तो हिडन मतलब क्या हो गया कि जब तक कि वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर लेता तब तक वो जो एनर्जी है वो खुद यूज कर लेता है, उसी को बोलते हैं लेटेंट सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन जब अगर आपको कॉपी में लिखना होगा तो क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, अब सॉलिड को किसमें चेंज कर रहे हैं इन टू लिक्विड। और अगर बात की जाए अपन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर को अपन रखेंगे फिक्स्ड, तो एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये हो गया, अपन ने अब तक उसको क्या कर दिया, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर दिया। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, और अब जो लिक्विड है उसको और गर्म करोगे तो वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट कर देता है उसको बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो कि 100 डिग्री होता है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर मैं केल्विन की बात करूँ तो 0 डिग्री यानी कि 273, तो 273 में अपन उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करोगे कितना आएगा 373, देखिए 373 केल्विन। ठीक है, इसका मतलब जब भी आप किसी डिग्री को केल्विन में चेंज करोगे तो उसमें क्या ऐड कर दोगे 273, 273 उसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, और गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, इसके बाद देखो इसमें एक क्वेश्चन और था कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, क्या सॉलिड टू गैस डायरेक्ट नहीं हो सकता या गैस टू सॉलिड डायरेक्ट नहीं हो सकता, मतलब अगर आप किसी आइस को गर्म करोगे तो पहले वो वाटर, वाटर गर्म करोगे तो वो वाटर वेपर, मतलब इसका मतलब किसी सॉलिड को डायरेक्ट अपन बिना लिक्विड में चेंज किए क्या गैस में चेंज कर सकते हैं, बोले हाँ, इसको ये बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, देखो द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इट्स इन टू लिक्विड, विदाउट चेंजिंग इन टू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, और वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी, मतलब कि आप किससे, गैस से चेंज कर दोगे ना गैस से किसमें, सॉलिड में, तो उसको भी क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन ही बोलेंगे। जिसके लिए आपके एग्जाम्पल दिया गया है कि एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या रखा है, अमोनिया क्लोराइड रख दिया और उसको आप जला रहे हो तो सीधा वो जो सॉलिड है वो सीधा चेंज हो गया गैस में, और गैस से चेंज हो गया वापस किसमें, चेंज हो गया सॉलिड में। इसका एग्जाम्पल होता है आपके घर के अंदर का कपूर, जिसको आप थाली में रख के जलाते हो सीधा वो चेंज हो जाता है गैस में, बिना लिक्विड में चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो अपना है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से चेंज, जो कि अपना नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक हमारा वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स को। दोस्तों धन्यवाद।